सोलन स्थित राज्य शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद सोलन में जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से एक दिवसीय राज्य स्तरीय नेशनल रोल प्ले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 10 जिलों के विद्यार्थियों ने भाग लेकर सामाजिक कुरीतियों पर अपने नृत्य के माध्यम से संदेश दिया। इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों ने सामाजिक कुरीतियों और सोशल मीडिया के फैलते जाल नशे का दुष्प्रभाव पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से संदेश दिया। सोलन स्थित राज्य शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद सोलन में जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से एक दिवसीय राज्य स्तरीय नेशनल रोल प्ले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 10 जिलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, सामाजिक कुरीतियों पर अपने नृत्य के माध्यम से संदेश भी दिया। नुक्कड़ नाटकों का उद्देश्य मादक पदार्थों का उपयोग युवाओं के जीवन पर असर और दुष्प्रभाव, चाइल्ड एब्यूज और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव पर रखा गया था। इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों ने सामाजिक कुरीतियों और सोशल मीडिया के फैलते जाल नशे का दुष्प्रभाव पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से संदेश दिया है। जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ के संयोजक हेमराज शर्मा ने बताया कि सामाजिक कुरीतियों पर जागरूकता लाने के लिए प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा मीडिया का किस तरह से दुष्प्रभाव आज के दौर में देखने को मिल रहा है और वो आने वाले समय के लिए कितना घातक हो सकता है, उसके विषय में नाट्य मंचन भी किया गया। उन्होंने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले विद्यार्थियों को दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। मैं डॉक्टर हेमराज शर्मा, परियोजना समन्वयक SERT सोलन। आज राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ SERT सोलन द्वारा किया गया, जिसमें प्रदेश के 12 में से 10 जिलों की टीमों ने भाग लिया है। केवल दो कबायली जो हमारे जिले हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर, खराब मौसम के कारण शायद वहाँ की जो टीमें थी वो भाग नहीं ले पाई हैं। इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है वो बच्चों में एक तो जीवन कौशल का विकास करना और दूसरे समाज में जो बच्चों से संबंधित जो समस्याएँ हैं उसके प्रति बच्चों को जागरूक करना। 4 विषय इसमें दिए गए थे, उसमें एक विषय मादक पदार्थों का दुरुपयोग और रोकथाम के तौर तरीके, एक विषय ये था, और दूसरा विषय उत्तम आहार और पोषक आहार, स्वस्थ जीवन शैली के लिए जिस तरह से बच्चों में जंक फूड की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए एक विषय ये रखा गया था, और जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है तो इंटरनेट का सुरक्षित प्रयोग किस तरह से किया जाए और उसमें मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, एक विषय ये रखा गया था, और चौथा ये कि चाइल्ड एब्यूज को रोकने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्सनल सिक्योरिटी, इसमें इमोशनल इश्यूज यानी कि हम कहेंगे भावनात्मक तौर पर भी यौन संबंधित सुरक्षा और शारीरिक और मानसिक सुरक्षा, इन ये चारों आयाम इसमें छुए गए। विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं और ऐसा लगता है कि समाज की जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है, अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है। जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ इस तरह की प्रतियोगिताओं को जो जिला स्तर पर, पहले ये विद्यालय स्तर पर कराई जाती है, विद्यालय स्तर के बाद फिर ये जिला स्तर पर होती है और जिला स्तर पर जो टीम प्रथम आती है वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेती है। आज जो टीम प्रथम घोषित की जाएगी वो टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3 से 6 दिसंबर को जो NCERT के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित करवाई जा रही है उसमें भाग लेंगे।